जब गुनगुनाते हैं तो सियासत बदल जाती है, दोस्त बहुत जरूरी है। गैरसन के ऊपर भी आपने बात बोली थी, अधिकारी ऊपर रहना नहीं चाहते, सबको देहरादून पोस्टिंग चाहिए। आपके गीतों में कहीं ना कहीं दर्द छुपा हुआ है। कभी सीला पाखोरी टू नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आज हमारा खास प्रोग्राम एकदम सीधी बात में। हमारे साथ बिल्कुल खास मेहमान, उत्तराखंड की शान, आन बान शान। उनका नाम लेते ही उत्तराखंड की पूरी पहचान आपके सामने होगी, नरेंद्र सिंह नेगी जी। नेगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पे। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया का एक प्रोग्राम सीधी बात आपके साथ, आज हम आपसे जानेंगे उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड आपके गीतों में ही उत्तराखंड पूरा बसता है। हाँ जी जी, तो आप थोड़ा सा अपने शुरुआत जो है गुनगुनाते हुए कर दीजिए तो समा बन जाएगा। मतलब जी, उत्तराखंड जो था, उत्तराखंड राज्य बना जब 2000 में, तो समय ये था कि बहुत पुरानी मांग थी उत्तराखंड के लोगों की, और एक अलग राज्य हो, पहाड़ी राज्य हो, ये मांग थी कि पहाड़ी राज्य हो, पहाड़ में इसकी राजधानी हो जी। तो अब वो बड़ा संघर्ष पिछले बीस सालों से लोग लगातार करते रहे, सरकारें भी आती जाती रहीं जी जी, और वो संघर्ष आज भी जारी है जी। फिर पिछली सरकार ने इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया जी, बुझे मन से जी। तो न तो कांग्रेस और न बीजेपी खुले मन से कभी उन्होंने राजधानी जी गैरसैंण के बारे में जी जी नहीं सोचा। फिर ये सिलसिला चलता रहा, आज भी है और आगे पता नहीं कब तक चलता रहेगा जी। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो आज भी नहीं सुलझे हैं, जो कि हमें लगता था कि उत्तर प्रदेश से अलग होके जी ये कुछ समस्याएं हल होंगी उत्तराखंड की, जल जमीन जंगलों की। लेकिन आज भी देख लिया, भू कानून की कितनी डिमांड हो रही है, लगातार लोग कह रहे हैं भू कानून बने इस देश का, नहीं तो जैसे हिमाचल की तर्ज पे कि कम से कम यहाँ के लोग यहाँ पे सम्मान पूर्वक रह सकें अपनी जमीन अपनी धरती में। आप जब गुनगुनाते हैं जी तो सियासत बदल जाती है, आप जो कोई गीत गाते हैं तो सरकारें बदल जाती हैं, जबकि आपका सियासत से कभी कोई लेना देना नहीं रहा पर आपके एक गीत भर मात्र से उत्तराखंड के लोग समझ जाते हैं कि क्या सियासत में चल रहा है। जब मेरे उन गीतों का जिक्र होता है तो मुझे लग रहा है कि लोग मेरा असेसमेंट गलत कर रहे हैं जी। मैंने इन 45 सालों में इन दो सरकारों के खिलाफ दो गीत लिखे हैं जी, और अब तक मैं 300 से ऊपर गीत लिख चुका हूं। उन गीतों का जिक्र नहीं होता है जी, जो कि लोगों के दिलों में बसे हुए हैं और जिसकी वजह से मुझे पहचान मिली है जी। ये तो अभी जब उत्तराखंड बना जी, उसके 2-3 साल बाद लिखे गए गीत हैं ना जी, 4-5 साल बाद लिखे गए गीत हैं। लेकिन उससे पहले 1974 से मैं लगातार गीत लिख रहा हूँ और गा रहा हूँ, रेडियो से, टेलीविजन से, कैसेटों के माध्यम से, सीडी के माध्यम से, और अब ये सोशल मीडिया में यूट्यूब के माध्यम से ना जी। लेकिन अक्सर लोग मेरे काम को बहुत सीमित कर देते हैं जब सिर्फ उन दो राजनीति गीतों के बारे में चर्चा करते हैं जी, और क्योंकि मेरे ख्याल से या तो उनके समझ में वही दो गीत आते हैं जी, उन्होंने मेरे ऐसा हुआ कि उससे जुड़ गया हो। हाँ, नहीं तो मेरा मकसद किसी सरकार को हटाना और किसी सरकार को लाना कभी नहीं रहा जी जी, क्योंकि मैं किसी राजनीतिक दल का मेंबर कभी रहा ही नहीं जी जी, बिल्कुल वो है ना, मेरा मकसद वो नहीं था वहाँ। मेरा मकसद इन सरकारों की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनको जनता के सामने ऐसे ही रखना था, जैसे मैंने डैमों पे गीत लिखा, डैम पे गीत लिखा, मैंने गढ़वाल कुमाऊं की जो दशा उत्तर प्रदेश में थी पहाड़ों के का ध्यान नहीं रखा जा रहा था, किस ढंग से यहाँ जंगलों का कटान हो रहा था, किस ढंग से यहाँ के रेत बजरी खनन वगैरह ये सब कुछ चल रहा था जी, जी। है ना, तो मैंने उस पर भी गीत लिखे हैं जी। आपको 82 से 84 के बीच में लोग चिट्ठी लिखकर आपको
आप फरमाइशें करते थे, कैसा लगता था आपको उस टाइम? नहीं, बहुत अच्छा। और फिर मैंने उस चिट्ठी का दौर ही खत्म होता जा रहा है, चिट्ठियों का जमाना था जी जी। तो हरीश जी, वो चिट्ठियों का दौर था और मैंने वो चिट्ठियां बहुत संभाल के रखी थी जी। बाद में मैंने एक किताब छापी अपने गीतों की, उसका नाम था गाणियों की गंगा सियाणियों का समुद्र जी जी। तो उसमें मैंने उन सारे चिट्ठियों का जीस्ट जो है, दो दो तीन तीन लाइन जी, वो डाल रखी है शुरू में। वो किसी एक साहित्यकार से वो लिखाने के बजाय मैंने कहा कि ये लोग जिन्होंने मेरे गीत सुने हैं, उसने प्रतिक्रियाएं दी हैं, मैं उन लोगों को, तो उसमें करीबन 80 या 100 के आसपास चिट्ठियों का जिक्र है उसमें और उनका। आपके गीतों में कहीं ना कहीं दर्द छुपा हुआ है। हाँ। आप लोगों की बात, जन की बात, सड़क पे चलते हुए लोग गुनगुनाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उनकी अपनी बात, अपने अपने गीत है, उनके 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 ऊपर लिखा हुआ गीत है, तो ये दर्द क्या है? हाँ, वो हरीश जी, मैं ये बात बहुत पहले भी मैंने कभी किस जमाने में हिंद कहा था प्रेस में कि जब तक उत्तराखंड के पहाड़ों में दर्द जी, है जी, कठिन जीवन है जी, महिलाओं का जीवन बहुत कठिन है यहाँ पर, आप समझते हैं इस बात को, तो जब तक वो दिक्कतें मैं देख रहा हूँ सामने से कि महिलाएं किस तरह से यहाँ पर जो हैं काम के बोझ से त्रस्त हैं जी, और दूसरे राज्यों की महिलाएं जिस ढंग से रहती हैं, जिस ढंग से उनका लाइफस्टाइल है, जीने का तौर तरीके हैं जी, हमारे यहाँ की महिलाओं का उससे बिल्कुल अलग है जी, बिल्कुल। वो खेतों में खप रही है, वो जंगलों में खप रही है, वो अपने परिवार में खप रही है जी। तो वो दर्द, वो दुख मुझे दिखाई देता है और लोगों को दिखता है नहीं दिखता मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे जब दिखाई देते हैं, और जिस दिन हम लोग पंजाब या दूसरे राज्य हरियाणा की तरह प्रॉस्पर हो जाएंगे उस दिन हम भी भांगड़ा गीत लिखेंगे, लेकिन जब तक परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, वो तकलीफें तो गीतों के माध्यम से आएंगी। दो लाइन इसमें आप कुछ सुना दे तो। कभी सीला पाखोरी टू, कभी तैला घाम, घास नीच डाली माजी, ये लोला डांडम, कभी सीला पाखों रीटू, कभी तैला घाम, मैं तकी हैरियाली डांडी धार दिखे टप राणु रेंदु माजी, आंसू नी थामेदा, कभी सीला पाखों रीटू, कभी तैला घाम। ये यहाँ की महिलाओं जी, की जी, जी, दिक्कतें हैं, तकलीफें हैं, बहुत लंबा गीत है जी जी जी। देखिए जी, आपके जीवन पर, आपने जब जीवन में पहली बार कलम उठाई जी, आज भी याद होगा आपने पहला शब्द क्या लिखा था उस टाइम पे? हाँ, मैं ये वो पहला शब्द आज तक, ये सन 74 की बात है, 74 की बात है। और मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पर ये चौहड़पुर है जिसे विकास नगर कहते हैं जी जी जी, बिल्कुल, है ना। आज तो वहाँ मैं अपने पिताजी को लेके आया था आँख के ऑपरेशन के लिए, उनकी आँख के ऑपरेशन के लिए, तो डॉक्टर लेमन का हॉस्पिटल है वहाँ पर, किसी अमेरिकन सर्जन है, आई सर्जन। तो उस समय 74 में कुछ फाइनेंशियल दिक्कतें थी, आर्थिक तंगी थी परिवार में, तो मैं ऐसा हॉस्पिटल ढूंढ रहा था जहाँ चैरिटी में चलता हो जो हॉस्पिटल, और तो वहाँ पे पता लगा मुझे, वहाँ लेके आया पिताजी के, आँख का ऑपरेशन हुआ, वो वार्ड में भर्ती हुए, अब मैं कहाँ जाऊँ? तो मैं फिर बरांडे में
एक खाट मिलती थी वहाँ पे, किराए पे देते थे वो, चार रुपये पाँच रुपये ऐसे लेते थे पैसे जी जी एक रात के। और फिर चौकीदार कहता है कि सुबह ये हॉस्पिटल खुलने से पहले इसको वापस रख देना बरांडे में, सो जाओ, उसने मुझे कहा। तो मैं बरांडे में सो जाता, बारिश थी, यही अगस्त का महीना था, जुलाई अगस्त का, बस वहाँ बैठ के ये जैसा हम लोग कहते हैं ना, खुद लगना, नरही लगना, घर की याद आना, याद आना जी। तो सन 74 की बात, तो वही कुछ मैंने भी महसूस किया। और मैंने कुछ शब्द उसमें लिखे, सरा बस गया दबोन। एक महिला, क्योंकि मैंने असल में काम करते हुए पहले सबसे पहले परिवार में अपनी माँ को देखा जी, क्योंकि वो दिखती ही नहीं थी सुबह, पता नहीं कब वो खेतों में चली जाती थी, फिर उसके बाद कब जंगल चली जाती थी, बहुत कम दिखाई दे, काम पे ही लगी, फिर घर का काम, चूल्हा चौका, ये सब। तो आपके उसमें कहा गया कि दोस्त बहुत जरूरी है। हाँ, दोस्तों ने ही आपको प्रेरणा दी, और दोस्तों से दोस्त होते ही है, अच्छा बुरा कमियां तो वही बताते हैं ना, परिवार में तो सब प्यारे ही होते हैं, परिवार के माँ बाप के लिए तो सब प्यारे। लेकिन उनको लगा कि ये गा सकता है, ये लिख सकता है, तो उन्होंने ये कहा। फिर रेडियो में केशव दास अनुरागी जी जो प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव थे लखनऊ में, उन्होंने कहा कि यार, उन्होंने सुना मुझे कहीं ग्रीन रूम वगैरह में बैठा हुआ, तो उन्होंने कहा तुम आकाशवाणी से गाओ, यहाँ पे उत्तरायण कार्यक्रम चलता है उसमें गाओ। मैंने कहा ठीक है जी, कैसे? फिर उन्होंने मुझे फॉर्म भरवाया, फिर ऑडिशन हुआ, फिर वो सेलेक्ट हुआ। उसके बाद में रेडियो में निरंतर कैजुअल आर्टिस्ट हो गया और आकाशवाणी लखनऊ से गाना लग गया। फिर नजीमाबाद स्टेशन खुल गया 78 में, और 78 में खुल गया तो उसके बाद उन्होंने हमें ट्रांसफर कर दिया नजीमाबाद। एरी डैम जब डूब रहा था, आपने तब भी एक गीत लिखा था, लोगों के दिलों को छू गया था। हाँ, वो डूबने से पहले का है, 82 का है जी, तब सर्वे चल रहा, सर्वे चल रहा था उस टाइम। लेकिन ये कल्पना थी कि एक दिन ये सारा, जहाँ हम, मैं वहाँ नौकरी करता था टिहरी में, 4 साल रहा मैं, तो ये था कि एक दिन अब डैम बन रहा है तो जाहिर है कि ये सब डूब जाएगा जी। पानी, दो लाइनें क्या थी उस टाइम, कुछ ध्यान हो तो? वो था, एक बाप जो है चिट्ठी लिख रहा है अपने बेटे को, वो कहीं बाहर नौकरी में है, फौज में है या कहीं प्राइवेट नौकरी में, तो डैम के डूबने का समय नजदीक आ गया है, वो सिचुएशन थी उसकी। अबारी दातू लंबी छुट्टी लेकी आई, एगे बगत आखिर तीरी डूबण लग्यो चा बेटा, दाम का खातिर अबारे दातू लंबी छुट्टी लेकी आई, एगे बगत आखिर तीरी डूबण लग्यो चा बेटा, दाम का खातिर अबारे दातू लंबी छुट्टी लेके आई। बहुत सुंदर चलता है जी, बहुत सुंदर याद दिलाता है कि जहाँ तूने, जहाँ तू खेला बचपन बीता, वो एक दिन डूब जाएगा, आखिरी बार भेंट जाएगा जी जी। तो बाप का बड़ा मार्मिक गीत है वो जी। तो इस तरह से हम लोग टिहरी को डूबते हुए भी देखा जी। आज जो है वो, मैं भी वहीं का पढ़ा हूँ जी तो इसलिए मुझे भी बड़ा अच्छे से ध्यान है। आप पढ़ता बैठे हो? मैं, हाँ, शिशु मंदिर का विद्यार्थी हूँ जी। पलायन के ऊपर बात करेंगे हम। पलायन एक ऐसा शब्द है जो भी पहाड़ी होगा उसको समझ में आता है पलायन क्या है। आपने अपने गीतों में, अपनी कलम से भी लिखा है, पूरा पहाड़ खाली हो रहा है, इस पर आपके विचार, आपका दिल रोता होगा जब लिखते होंगे, है ना? तो क्या आप आज की राजनेताओं को कुछ बोलना चाहोगे कि इसमें कि भैया पलायन पे भी कुछ काम कर लो? असल में पलायन पे, पलायन का जो मुद्दा है ना, वो विकास का मुद्दा है जी। मैं, मुझे क्या चाहिए, एक आदमी जो ठेठ इंटीरियर में पहाड़ में रह रहा है जी,
तो उसे क्या चाहिए, यहाँ से शुरू करना चाहिए कि वो क्या वहां पे आज की तारीख में खुश है, और अगर नहीं है तो वो क्या चाहता है, उसको खुशी कैसे मिलेगी, उसके बच्चे की अच्छी एजुकेशन हो, स्वास्थ्य की उसके पास सुविधा हो उसके नजदीक, और उसके पास रोजगार हो जी, तो ये सारी चीजें जब उसके पास होंगी तो निश्चित रूप से वो खुश होगा, वो वहां रहना चाहेगा। लेकिन जब उसे पता है कि इतने किलोमीटर दूर तो मुझे सड़क तक पहुंचने में इतना समय लगता है, अस्पताल नहीं है, और जहां कहीं दूर दराज अस्पताल हैं भी तो वहां डॉक्टर नहीं, वहां डॉक्टर नहीं है ना, और शिक्षा का हाल तो भगवान ही मालिक है, बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। आज लोगों के पास अगर पैसा है तो वो उस पैसे का मैक्सिमम हिस्सा जो है अपने बच्चों का भविष्य बनाने में लगाना चाहते हैं, उनको अच्छे एजुकेशन देना चाहते हैं, वो अपने बुजुर्गों को इलाज अच्छा इलाज करना चाहते हैं जी, है ना। लेकिन ये सुविधाएं अगर वहां नहीं मिलेंगी तो निश्चित रूप से वो लोग प्लान करेंगे। गैरसैंण के ऊपर भी आपने बात बोली थी, गैरसैंण को लेके राजधानी, आपका कहना कि पहाड़ों की राजधानी पहाड़ में ही होनी चाहिए, वो मैं बता भी चुका हूँ, यहाँ राज्य की मांग से पहले तय हो गया था कि राजधानी गैरसैंण होगी, इसलिए कि गैरसैंण जो है वो ये दो मंडल है हमारे, गढ़वाल मंडल कुमाऊं मंडल जी, तो ये बीच की जगह है जी, दोनों मंडलों के मध्यस्थ है गैरसैंण का क्षेत्र जो है पूरा, तो अगर राजधानी बनती है तो उधर वो गढ़वाल की तरफ और उधर कुमाऊं की तरफ दोनों तरफ उसका विस्तार होता, तो गढ़वाल कमिश्नरी के लोग भी और गढ़वाल कमिश्नरी के और कुमाऊं कमिश्नरी के दोनों लोग उससे संतुष्ट भी होते और वहाँ विकास भी होता और इंटीरियर में साधन भी बढ़ते। लेकिन दुर्भाग्य ये है कभी अगर ये ग्रीष्मकालीन राजधानी के नाम पे अगर कोई कैबिनेट बैठक वहां रखते हैं तो मंत्री लोग सड़क मार्ग से जाना पसंद नहीं करते जी, बिल्कुल, उन्हें हवाई मार्ग चाहिए क्योंकि झटके लगते हैं, सड़कें इस लायक नहीं है, तो लोगों की स्थिति कैसे समझेंगे ये लोग, तो बात तो ये है ना, इसीलिए पहाड़ों में खींच के लाना चाह रहे थे राजधानी, पहाड़ों में आए आप जाइए, जो तकलीफ आम आदमी उठा रहा आप भी उठाएंगे तो आप कुछ प्रयास करेंगे जी, अधिकारी ऊपर रहना नहीं चाहते, सबको देहरादून पोस्टिंग चाहिए, इसलिए कि सारी सुविधाएं हैं, बिल्कुल, अगर सारा गुड़ आप एक जगह रख देंगे तो मक्खियां तो वहीं आएंगी, वहीं आएंगी, आप बांट तो आप रहे नहीं है जी, विकास को तो जब बांटेंगे आप लोगों तक घर घर पहुंचेगा तो ही जाके लोग टिकेंगे, तो ही जाके लोग रुकेंगे, वरना मैं सोचता हूँ तो इस तरह ये प्लान चलता रहेगा। दो तीन जो मुख्यमंत्री बदले हैं एज अ उत्तराखंडी, इस कुर्सी को इतना गर्म कर दिया है कि हाई कमान ने जी, है ना, कि उस पे टिक ही नहीं पा रहे हैं मुख्यमंत्री जी, है ना, तो ये कहीं ना कहीं जनता के साथ गलत हो रहा है कि इनकी ताजपोशी में लगे रहे। मैं उनको दोष नहीं दूंगा, मैं दोष दूंगा कि इनके जो हाई कमान जी जो ये निर्णय लेते हैं कि अभी इसको अभी एक साल इसको हो गया, दूसरे साल इसको, तीसरे, पता नहीं क्या सर्वे होता है उनका, क्या नहीं होता जी, जी। लेकिन अगर एक मुख्यमंत्री सोचता है कोई कि मैं ये करूंगा, मुझे ये करना है ना, तो उसके लिए आजादी नहीं है, वो केवल सोच तक सीमित रहता है, जब क्रियान्वयन का टाइम आता है वो बदल जाता है, है ना, फिर दूसरा आ जाता है, दूसरा अगर जमजमाव करने की कोशिश करता है तो तीसरा आ जाता है। और ये इस ढंग से चल रहा है। जनता पूछेगी किससे कि हमारे साथ क्या हुआ, कैसे किया, क्या किया तुमने, कौन सी योजना दी, अब उसे दोष देंगे, उसने कहा भाई मैंने योजना बनाई थी लेकिन अब क्रियान्वयन के टाइम में जी दूसरे की प्राथमिकता है और है, ये नाम मात्र का पार्टी है जी कि साहब ये बीजेपी की पार्टी है या कांग्रेस की पार्टी है जी। अब ये जो एक ने सोच लिया वो सब करेंगे, ऐसा होता नहीं है जी। एक तो इनके मुख्यमंत्री बदलते ही इनका स्टाफ चेंज हो जाता है जी। तो फिर वो सोच कहाँ गई, वो सोच खत्म है, बिल्कुल जीरो है, जो पहले वाले ने सोचा था वही चलना चाहिए था, बिल्कुल वही योजनाएं कंटिन्यू होनी चाहिए थी, योजनाएं जो भी बनी थी
वो साथ मिलके बनी थी, मिलके बनी थी आप जब थे तो सब साथ में थे, तो वो योजनाएं आज अलग गलत कैसे हो गए, अलग और गलत कैसे हो गए, वो प्राथमिकता में नहीं है ना, दूसरे की जी और तीसरे की प्राथमिकता कुछ और है। तो इस ढंग से विकास अवरुद्ध होता है। तो आप आपसे डरते हैं थोड़ा सरकार, मुझे जो लगता है, क्योंकि इलेक्शन का टाइम आ गया है, तो फिर कोई अब ऐसा गीत में लिख दो तो उन्होंने अभी थोड़ा सा आपको, मेरे को लगता है नहीं नहीं पद्मश्री के लिए भी आपको आगे इन्होंने आपकी चिट्ठी भेज रहे हैं। नहीं नहीं वो वहाँ पे लोगों ने वो किया था ना, भेजते रहते हैं, लेकिन सेंटर कमेटी जी जो है इसके लिए राज्य सरकार के हाथ में नहीं है, जी जी वो भारत सरकार की जो कमेटी होती है पुरस्कारों की वो तय करती है, और वो तय करती है तो उसमें ज्यादातर हम लोगों का तो उसमें संभव ही नहीं है आना, क्योंकि जो सरकारों के खिलाफ जाते हैं, जो सरकारों के खिलाफ लिखते हैं पढ़ते हैं या और भी वो करते हैं, तो वो तो आंख की किरकिरी होती है। जी जी। तो आजकल भी कोई गीत लिख रहे हैं? नहीं फिलहाल तो ऐसा कुछ वो है नहीं, लेकिन कभी आ जाता है मन में, मूड में आ जाता है तो लिख लेता हूँ, लेकिन आज वो प्रसारण का वो लोगों तक पहुंचाने का जरिया जो है वो खत्म हो गया, वो जो कैसेट का जमाना था जी। वो लगभग खत्म नहीं, अब उससे फास्ट है, अब तो यूट्यूब है, यूट्यूब मेरे जो मेरे श्रोता है वो गाँव में बसते हैं और गाँव में उनके पास वो नहीं है साधन जो है ना, एंड्रॉइड फोन कितने लोगों के पास है। जी ये बात सही है बिल्कुल, है ना। अब यहाँ पे शहरी लोगों के लिए की बात अलग है, शहर में तो हर बच्चे के पास होगा। स्थानीय बोली भाषा के ऊपर आपका जोर रहा है हमेशा से? हाँ हम लोग तो रहे हैं, भाषा गढ़वाली और कुमाऊनी को हम भाषा मानते हैं जी, है ना। इसमें साहित्य अकूत साहित्य लिखा गया है पहले जमाने से भी, जब हिंदी अस्तित्व में नहीं आई थी तब से क्षेत्रीय भाषाएं बिल्कुल अस्तित्व में थी जी, है ना। और हिंदी तो एक बनाई हुई भाषा है, बाद की भाषा है, बाद में कुछ संस्कृत से के माध्यम से कुछ आपका ये वहाँ की क्षेत्रीय बोलियों के भाषाओं के माध्यम से हिंदी को गढ़ा गया, बनाया गया, फिर साहित्यकारों ने उसको परिष्कृत करते रहे, तो आज जो स्वरूप हिंदी का हमारे पास है ना, वो वही है जो इन्होंने बनाया है। हिंदी किसी गाँव की भाषा नहीं है, गाँव की भाषा वहाँ की क्षेत्रीय भाषा है। तो जो हमारी लोक भाषाएं हैं ये तो अति प्राचीन भाषाएं हैं, हम इस देश के नागरिक हैं लेकिन हमारी अलग पहचान है जी। तो उसके भी आजकल प्रयास चल रहे हैं, लोग फख्र कर रहे हैं अब इस बात पे कि हम पहाड़ के रहने वाले हैं, गढ़वाली हैं, कुमाऊनी हैं, जौनसारी जी। और उसके लिए मैंने एक गीत लिखा भी था उसमें कि मुझको पहाड़ी मत बोलो मैं देहरादून वाला हूँ, एक बार थोड़ा सा वो उसका मुझे तो वो एक व्यंग था उन लोगों पे जो अपने गांव घर गांव का नाम बताने के बजाय अपने आप को देहरादून का बता देते जी, देहरादून का बता देते बिल्कुल, है ना। और उधर कुमाऊं में करें तो नैनीताल का बता देते आपको, है ना। तो वो अपने घर गांव का नाम लेना नहीं चाहते, तो वो उस पर एक व्यंग था उसमें, और वो व्यंग उस लाइन थी वो अपड़ू सी दिखेणु छे रे लगणु भल सी मोको छे कांबे रे पाड़ी भूला कै जिला के गों को छे कै जिला के गों को छे गढ़वली कुमोनी हूं ना भूला ना भोला भाला हूं मेरे को पहाड़ी मत बोलो मैं देहरादून वाला हूँ देहरादून वाला हूँ। एक शायर कि मुझे पहाड़ी मत बोलो मैं देहरादून वाला, लेकिन बाकी सारा उसका हरकतें सब उसका जो कल्चर लाइफ स्टाइल है वो सारा उसकी बातों में झलक जाता है, ये है तो पहाड़ी लेकिन अपनी पहचान छुपा रहा है। जी हम लोग भी आज अगर किसी पहाड़ी को दिल्ली बॉम्बे में पहचानते हैं तो उसकी टोन के थ्रू टोन से पहचानते हैं, लेकिन हमारे नहीं, आप किस जब कोई पंजाबी या कोई मिलेगा पंजाबी बात करेगा, हिंदी बोलेगा पंजाबी हिंदी बोलेगा तो पहचान जाएगा कि हिंदी बोल रहा लेकिन है पंजाबी। दक्षिण भारत का बोलेगा जी, अपनी भाषा के अलावा कोई और भाषा बोलेगा तो पहचान में आ जाए, तो वो तो पहचान है हमारी भाई, हम बोल रहे हैं हिंदी ठीक है,
लेकिन हम हैं वहाँ के। हाँ जी, हम वहाँ के क्षेत्रवासी जो है। हाँ जी जी, हमारे देश को हमारे उत्तराखंड ने बहुत बड़े बड़े पदों के लोग दिए हैं, और ये इसी के कारण है कि आज लोग वापस पहाड़ी अपने आप को बोलना पसंद कर रहे हैं, नहीं तो पहले लोग पहाड़ी नहीं बोलते थे अपने आप को। यही हम कह रहे हैं जी, जब तो इन लोगों को सैल्यूट है कि इस लेवल के लोग जब अपनी भाषा बोलेंगे जी, अपना कल्चर अपनाएंगे, तो फिर जिनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स है इन्फीरियरिटी का जी, वो कॉम्प्लेक्स हटेगा यार। जब ये आईएएस अधिकारी, इतना बड़ा अधिकारी अपनी भाषा में बोल रहा है, तो फिर हमको बोलना चाहिए जी, बिल्कुल है ना। तो यहाँ डीजी पुलिस के जो महानिदेशक थे रतूड़ी जी, वो गढ़वाली में बात करते थे जी। वहाँ ये डीएम हैं जो उधर रुद्रप्रयाग के डीएम थे जी, है ना, बेचारे आप चले गए हैं, दिल्ली चले गए हैं, वो जब भी उनसे बात करो वो गढ़वाली में बात करते थे जी, जी। तो जितने भी ये नए नए बच्चे आईएएस जितने भी आए हैं, पहाड़ के बच्चे जो हैं यहाँ के, तो उनके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है अपनी भाषा के प्रति, अपने कल्चर के प्रति। वो खुले आम अपने आप को व्यक्त करते हैं कि हम फलाने हैं, फलानी जगह के हैं, फलाने कल्चर के से जो जी। तो ये अच्छी बात है, इससे इससे कॉम्प्लेक्स जाएगा, लोग कॉम्प्लेक्स जाएगा बिल्कुल। आपने हर विषय को छेड़ा, हर बात का आपने जवाब दिया, जनता पे जनता का जनता की बात रखी, सरकार को कटघरे में भी खड़ा करते हो कई बारी। कुछ ऐसा जो अभी तक अधूरा रह गया हो, जो आपको लगता है कि आपको ये पूरा होना चाहिए था? नहीं, वो देखिए विषय तो कभी खत्म नहीं होते हैं, विषय तो नए नए विषय भी आते रहते हैं, फिर एंगल बदलते रहते हैं, जैसे आप लोग प्रोफाइल लेते हैं अलग अलग एंगल से जी, जी। आदमी वही है लेकिन आप एंगल बदलते रहते हैं उसके, उसी तरह गीत का विषय भले ही एक हो लेकिन वो अलग एंगल से भी लिखा जा सकता है, वो अलग ढंग से भी लिखा जा सकता है ना। तो इसी तरह से गीतों का भी है कि बहुत सारे गीत हैं, हम सोचते हैं इस गीत को हम इस ढंग से भी लिख सकते थे या इस विषय को इस ढंग से भी उठा सकते थे। तो और जब कभी ऐसा कोई बर्निंग टॉपिक आएगा तो निश्चित रूप से उस पर कलम उठेगी, लिखेंगे उसमें। तो आप जल्द कुछ लिखने वाले हो? अभी फिलहाल तो अभी है नहीं कुछ दिमाग में, जब होगा तो लिखेंगे। आपके स्वास्थ्य को लेकर भी बड़ी चिंता हुई थी बीच में? हाँ, बीच में मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया था, कहीं प्रोग्राम कर रहा था मैं बहुत इंटीरियर में जी, तो वहाँ पे हुआ था ये, तो वहाँ हुआ, लेकिन उसके बाद फिर ट्रीटमेंट लोगों की बहुत ज्यादा वो थी, शुभकामनाएं आपके साथ बहुत थी, डॉक्टरों आपके साथ बहुत है, हमेशा सुनना चाहते हैं, दिल्ली हो, बंबई हो, कहीं पे भी हो। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। मैं मॉरिशस में था और मैंने मॉरिशस में आपका गीत सुना, और वो भी एक ऐसे पहाड़ी से। जब मैंने उसे पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो उसने कहा मैं दिल्ली का हूँ। मैंने उसे बोला दिल्ली तो किसी की नहीं है, तो उसने कहा मैं उत्तराखंड का हूँ। मैंने उत्तराखंड में कहाँ से? तो मतलब वो वाक्य ऐसा हुआ मेरे साथ कि मुझे आज तक याद है, 17-18 साल हो गए कि वो मेरी नानी के गांव का निकला। अरे वाह। और वो आपके गीत मुझे स्पेशली होटल में मोबाइल फोन पे देके गया कि ये आपके गीत सुनिए। तो मुझे उस टाइम से आपसे मिलने की बड़ी इच्छा थी कि आपसे मिलूं, आपको एक 1-to-1 करूं आपके साथ। बहुत लोग हैं, बहुत लोग वहाँ हॉस्पिटल में, जो भीड़ आई उस दिन जी, मैं तो आईसीयू में पड़ा हुआ था, मेरी वाइफ बताती है जी, है ना, कहले मैं सबको तो नहीं पहचान पाई, लेकिन इतनी भीड़ थी लोगों बड़ी था कि पता नहीं क्या होता, हार्ट का मामला था। नहीं सर, आप स्वस्थ लग रहे हैं, बिल्कुल फिट लग रहे हैं। चलते चलते उत्तराखंड वासियों को संदेश देना चाहते हैं? अब संदेश क्या दें, संदेश तो सरकारों को दिए जाते हैं। सरकार को ही देती है, जनता तो की रो धो के जी रही है, चाहे महंगाई के में जी रही है, चाहे परेशानियों में जी रही है, चाहे किसी ढंग से भी जी रही है, तो जनता तो किस तरह से रो रो के जी रही है। लेकिन सरकारों को संदेश देने की जरूरत है कि अभी भी चेत जाइए, और अपनी संपत्ति बढ़ाने के बजाय लोगों के दुख तकलीफों को दूर करिए, है ना, ये संदेश जाना चाहिए। नहीं तो आज जो भी राजनीति में आ रहा है अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए आ रहा है जी, बिल्कुल। ये सबसे मुफीद और सबसे बढ़िया रोजगार अगर कोई है तो ये नेतागिरी है। नेतागिरी है, ग्रेट।
जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज अपना समय दिया हमारे को, अपने विचार, अपने सरकारों को लेके विचार, जनता को लेके आपकी प्यार, इस सब से आपने बात करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हरी सर। तो ये थे हमारे साथ सुर के सम्राट नरेंद्र सिंह नेगी जी। नेगी जी ने अपने सारे बेबाकी से अपने सारे जवाब दिए। फिर मिलेंगे किसी न किसी और शख्सियत के साथ एकदम सीधी बात में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप जब गुनगुनाते हैं तो सियासत बदल जाती है, अधिकारी ऊपर रहना नहीं चाहते, सबको देहरादून पोस्टिंग चाहिए। आपके गीतों में कहीं ना कहीं दर्द छुपा हुआ है। कभी सीला पाखोरी टू